रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रदेश सचिव शैलेश तिवारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मार्च 2020 से कोरोना आया तब से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन में ढील दी गई मगर आज दिनांक तक स्कूल नहीं खोले गए और मध्य प्रदेश के हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक परेशान हैं इन 15 महीने से। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम आंदोलन भी करेंगे, जिसमें जनधन हानि नहीं होने दी जाएगी। जो हानि होगी वह हम अपने ऊपर लेंगे, चाहे हमें गोरी ही क्यों ना खाना पड़े। देखते हैं यह खबर संवाददाता आदिल खान के साथ। सर, शैलेश तिवारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रदेश सचिव। आज आपने एक प्रेस वार्ता रखी है, जी क्या कुछ मामला है? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च 2020 से कोरोना आया और जब से लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर लॉकडाउन में ढील दी गई, लेकिन आज दिनांक तक स्कूल किसी प्रकार के खोले नहीं गए और हमारा मध्य प्रदेश का एक एक प्राइवेट स्कूल संचालक परेशान है और इन 15 महीनों में सरकार ने हम पर किसी भी प्रकार की हमदर्दी नहीं दिखाई और हमको दिन प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे अधिकार का पैसा, गरीबी रेखा का पैसा, आरटी का पैसा, जो मेहनत करके हमने बच्चों को पढ़ाया है, वो दो दो साल से नहीं दे रही सर। इस बुरे वक्त में तो दे, राजनीति की रोटियाँ सेकने के लिए आप लोगों को मुआवजा दे रहे हो, लोगों को राहत पैकेज दे रहे हो। हम स्कूल संचालक जब मध्य प्रदेश के शिक्षा के विकास की मुख्य रीढ़ की हड्डी हैं, तो जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का अधिकार सरकार को किसने दिया? आप सरकार गिराने में, बनाने में सब कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, चुनाव आता है, कोरोना नहीं। हम तो कह रहे हैं सर कि स्कूल अगर खोल दिए जाएँ तो तीसरी लहर आएगी नहीं, क्योंकि स्कूल से ही मध्य प्रदेश में जागरूकता लाई जा सकती है। कोविड के विषय में एक एक बच्चे को समझाया जा सकता, हर घर में एक जागरूकता फैलाई जा सकती है सर। और हम तो कह रहे हैं अगर सरकार स्कूल नहीं खोल रही है तो स्पष्ट मना कर दें सर। आज स्कूल में ताले लगे हैं सर, फिर भी उनको सरकारी जानकारी चाहिए। अभी छात्रवृत्ति की जानकारी मांग रहे हैं सर 2013 से, एक ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। हम 2013 से इस 9 साल का रिकॉर्ड कैसे बनवा के दे दें सर? एक बात। दूसरा, नवीनीकरण, जब स्कूल बंद है तो नवीनीकरण का निरीक्षण क्यों किया जा रहा है? करे, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्कूल चला रहे हैं, निरीक्षण होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में आपने खुद ने ताला लगाए हो तो शासकीय की जानकारी क्यों, निरीक्षण क्यों? 10-10 साल पुराने निरीक्षण सर। वहीं अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता सरकार द्वारा, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, किस तरह अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे? सर, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी में हम लोग पूरे, हमारे माननीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष आर के पांडे जी, संगर जी, हमारे संदीप अग्निहोत्री जी, राजेश जी, सब द्विवेदी जी, हम लोग आज से ही, पहले तो आपके ही सामने पूरा मध्य प्रदेश के नेतृत्व के रूप में हम लोग पेन डाउन करेंगे। आज से पूरे शासकीय काम, विभागीय काम हम लोग बंद कर देंगे। ये अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जिस दिन अगर ऐसा हमको लगता है कि अब सरकार सुन ही नहीं रही है, वैसे तो इस 15 महीने में इतना बुरा वक्त बीता हम स्कूल संचालकों का कि सरकार ने तो हम पे ध्यान नहीं दिया, हमें आगे भी उम्मीद नहीं है कि हम पे इस संचालकों पे सरकार ध्यान देगी, लेकिन अगर अब नहीं देगी सर तो संचालक मर रहा है सर, संचालक टूट रहा है, तो सामने सर लड़के मरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आत्महत्या करने की उनसे अनुमति मांगेंगे, तब भी नहीं देगा तो फिर सर लड़के मरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं होगी, हानि होगी तो हम अपने ऊपर जरूर करेंगे, लेकिन जन धन और किसी भी सार्वजनिक स्थान की कोई टूट फूट हमारे आंदोलन में नहीं होगी, जो हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाई, आपने सवाल अभिभावकों की भी शिकायत थी, जब स्कूल खोले जाते हैं, स्कूल के जब कोर्स की बारी आती है तो स्कूल द्वारा पर्टिकुलरली एक स्टेशनरी का एड्रेस दे दिया जाता है जहाँ से कोर्स लिया जाए, उसको लेकर काफ़ी शिकायत रहती है अभिभावकों। सर बिल्कुल सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज हम लोग भी कुछ हमारे ही बड़े स्कूल संचालकों के कारण थोड़ा परेशान हैं। आज जो हम लोग परेशानी भोग रहे हैं फीस को लेकर, तो फीस सर हम लोग क्या बढ़ाएंगे? मेरे खुद के 8 स्कूल हैं सर, 5,000 सालाना फीस है, आप बताइए हम क्या फीस बढ़ाएंगे सर? और हमने पिछले साल लगभग मध्य प्रदेश के सर 10 से 15 हज़ार स्कूल संचालक ऐसे हैं जिन्होंने आधी फीस कर दी है कोविड को देखते हुए। फीस तो वो बहुत बड़े बड़े स्कूल वाले बढ़ा रहे हैं ना सर, सरकार ग्रेड मॉडल ना, सरकार आदेश करें ना स्पष्ट,
स्पष्ट आदेश करेगी तो एक एक स्कूल संचालकों को उनका आदेश मानना पड़ेगा, लेकिन सरकार भ्रम में रखी है अभिभावकों को भी और स्कूल संचालकों के बीच में। आदेश जारी कर दे कि प्रत्येक स्कूल 20% 30% ट्यूशन फीस कम ले। क्यों नहीं लेंगे सर? सब लेंगे, सरकार के आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन सरकार गुमराह कर रही है, सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। और हमें तो ये लग रहा है सर कि ये सरकार प्राइवेट स्कूलों को अब मिटाने में लग गई है, क्योंकि स्कूल बंद हैं। तो हम कह रहे हैं जब बंद है तो सरकारी स्कूल में प्रवेश क्यों चालू है? वहाँ पर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए जब बंद है। तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीसियाँ सर नियम से लगभग मध्य प्रदेश के 40% टीसियाँ शासकीय स्कूलों में एडमिशन हो गए हैं, जो बिल्कुल नियम विरोध है, लेकिन सरकार नहीं कर रहे। कलेक्टर तो प्राइस दे रहे हैं सर, सरकार ने टारगेट दे दिए कि 15-15 बच्चों को आप शासकीय स्कूल में भर्ती कराइए, सीएम राइज स्कूल में भर्ती हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद सरकार देखना हो सकता है कि किसी SOP के माध्यम से स्कूल ओपन करें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।